हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सेंट्रो की बेल्ट के बारे में। दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे सेंट्रो की बेल्ट का नंबर और बेल्ट किस तरह से फिट की जाती है। और ये देखिए दोस्तों, ये इसका एसी कंप्रेशर, और ये आप देख लीजिए 12 नंबर का एक बोल्ट लगा होता है अंदर। और पहले आप इसको लूज़ कर लीजिए, उसके बाद 12 की टी से इसको आराम से लूज़ करके बेल्ट उतार दीजिए। और यहाँ सेम यहाँ भी एसी लगा होता है, बोल्ट लगा होता है, और उसको भी आप इसी तरह से लूज़ कर लीजिए और बेल्ट इसकी उतार दीजिए। और दोस्तों, हम अब इसमें दिखाएंगे, इसमें अल्टरनेटर वाली जो अंदर वाली जो बेल्ट होती है उसका नंबर हम आपको बताएंगे। और ये देख लीजिए आप, कॉन्टिनेंटल की हम इसमें जो बेल्ट डाल रहे हैं, और बेल्ट का नंबर है 4PK770। ये जो होती है दोस्तों, अल्टरनेटर वाली बेल्ट होती है, अल्टरनेटर वाली बेल्ट होती है, ये देख लीजिए, वाटर पम्प और अल्टरनेटर वाली बेल्ट 4PK770, ये हमने दोस्तों फिट कर दिए। और दोस्तों, अब हम इसके दिखाएंगे आपको एसी कंप्रेशर वाली बेल्ट, ये देख लीजिए, मेन पुली पे भी हमने लगा के फिट कर दिए। और ये देखिए 4PK875, 4PK875 नंबर की जो बेल्ट आती है ये एसी कंप्रेशर वाली होती है, और इसको भी आप आराम से इसी तरह फिट कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये एडजस्टर होता है इसका, इसको हमने जो है यहाँ से टाइट करके लॉक कर दिया। और ये इसका एसी कंप्रेशर वाला एडजस्टर, ये देख लीजिए, टी से हमने इसको टाइट करके और फिर अंदर से स्क्रू से हम इसको लॉक कर देंगे। ये 12 के पाने से ये देख लीजिए दोस्तों, लॉक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।